आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नेशनल डेयरी के केयर टेकर भुआल सीईओ नागेश सिंह की धर्मपत्नी विजय सिंह ने आर मनपा पर मनमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आर मनपा के अधिकारियों ने बिल्डर के इशारे पर 60 साल से अधिक पुराने नेशनल डेयरी फार्म और नेशनल टूर ट्रेवल्स के ऑफिस को बोरीवली पूर्व नेशनल पार्क के सामने अवैध बताकर तोड़ने पहुंचे हैं, जबकि यहां पर कोई भी अवैध निर्माण कार्य नहीं हुआ है। विजय सिंह ने बताया कि इस मामले में नेशनल डेयरी फार्म के मालिक नागेश समर बहादुर सिंह का MMRDA के साथ हाई कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। यहाँ स्ट्रक्चर मेट्रो के निर्माण के कारण शिफ्टिंग में जाने वाले हैं। जिलाधिकारी ने इसे पात्र करार दिया है। मनपा का इससे कोई संबंध नहीं है। बावजूद इसके बिल्डर के इशारे पर आर मध्य मनपा के अधिकारी इसको अवैध निर्माण बताकर तोड़ने पहुंचे हैं। यह बात मनपा और मध्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है। जिस जुल्फिकार मोमिन कासम की शिकायत पर मनपा नेशनल डेयरी फार्म को अवैध बता रही है, उसी बिल्डर के खिलाफ कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में ट्रेस पास तोड़फोड़ गुंडागर्दी का मामला दर्ज है और वहां जमानत पर है और वापस मनपा की आड़ में गुंडों के दम पर नेशनल डेयरी फार्म पर कब्जा करने की फिराक में है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मैं विजय श्री मिसेस नागेश सिंह बात कर रही हूँ। नेशनल डेयरी फार्म से कल हमें सूचना दी गई थी, जिसमें DMC के द्वारा कि हमारा नेशनल डेयरी फार्म तोड़ा जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा, जिसका किसी से हमारा केस हाईकोर्ट में चल रहा है और अभी इसकी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए ऐसा हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। वह सडनली दिया गया, जिसकी कल हम लोगों ने अपना BMC में हम लोगों ने उसका जवाब भी दिया, जो नियमावली कहती है, नियमावली के अनुसार हम लोगों ने सारी चीज़ों को किया। उसके उपरांत आज की 10:30 बजे के लगभग सुबह की घटना हुई, जिसमें GCB दो आ गए और उसके साथ उन्होंने अपनी तोड़फोड़ की कार्रवाई को चालू किया, जिसमें हमारे घर के सदस्य बोले जा सकते हैं बुआ जी के बेटे, उन्होंने इनको संभाला और जाकर बातों को देखा। अनलीगल बता रही है। कितना पुराना स्ट्रक्चर है आपका? 1962 से इस पर हमारे फादर इन लॉ सारी कामों को देखभाल करते थे इन जगह पर। ये MMRDA के साथ में आपका विवाद चल रहा है, MMRDA का BMC इसमें क्यों बीच में आ रही है, BMC का क्या लेना है? हाँ, यही प्रश्न के लिए हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, या इस मुद्दे को लीजिए, ये हमारे उलझाऊ मुद्दे हैं। कुछ मामले हमारे जो यहाँ पे वो MMRDA से हैं और ख़ासतौर से ये मामला जो है वो MMRDA से ही है। MMRDA मीनिंग जब शिफ्टिंग हमारा मेट्रो दे रहा था, उस समय हमारे कुछ पार्ट्स को ले लिया और कुछ पार्ट्स को उन्होंने वैसे ही छोड़ा है, उसको भी वो इसी रीज़न से डिमोलिश करना चाहते हैं। शिकायत BMC तोड़ने आई थी, इसको अनलीगल बता रही है जी। अनलीगल आपने क्या नया बात काम किया है? हाँ, ये उनका आपने प्रश्न अच्छा किया कि उनकी गैरहाजिरी इन लोगों की ही देने की, आज वो यहाँ उपस्थित नहीं है, जिन्होंने आज यहाँ पर ये कंडीशन सारे सिचुएशंस लाए हुए हैं, ये उनकी देन, उनके पीछे का हाथ इनका ही है। इसके कहने में मुझे किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार की सहमति नहीं है, ये उनका ही काम है, जो आज वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उस दरमियान ही उन्होंने डिमोलिश किया BMC के का आड़ लेकर प्राइवेट सेक्टर के साथ में उन्होंने मिलकर हमारी पीछे की बाकी संस्थाओं को, जो जगह थी उसको डिमोलिश। उसके बाद आज 2 GCP के साथ यहाँ लोग उपस्थित रहे और तोड़ने का प्रयत्न किए। हाँ, मेरा नाम भुवाल सत्यनारायण सिंह है। भुवाल जी, आज यहाँ पे BMC आई थी, लीगल बता रहे थे आज कैसे तोड़ने के लिए क्या? आज 1962 से हमारे मामा जी समर बहादुर सिंह और हमारे 5 मामा और थे यहाँ, है ना, उसके बाद से हम लोग मतलब आते जाते थे यहाँ। यहाँ मतलब था, मतलब 1962 से मतलब कोई नया काम किया नहीं गया है और हमारा पुराना स्ट्रक्चर है BMC।